तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। जो फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स होते हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्सेल के अंदर में जब भी कोई हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें फॉर्मेटिंग का एक अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि अगर फॉर्मेटिंग सही से नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैं डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो डेटा था, इस डेटा को हमने इस रिपोर्ट में कन्वर्ट किया, और ये जिसमें डेटा दिख रहा है इसको कितने अच्छे तरीके से हमने बिल मेंटेन और फॉर्मेट किया है, तो जिससे आपको जो है समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें क्या है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ डाला और अच्छी ना दिखी तो क्या फायदा, ठीक है। इसलिए फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे पिक्चर लुकअप के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेंथ लिखा और मैं चाहता हूँ कि टेंथ ऊपर चला जाए, तो मैं डबल क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और मैंने यहाँ पे कर दिया सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया एंड ओके किया, तो आपने कि टेंथ आपका चला गया। उस तरह से मुझे टेन स्क्वायर करना, टेन स्क्वायर करना, तो यहाँ पे हम जो है अब टेन स्क्वायर नंबर है, 102 हमारा नंबर है जिसको हमें डालना पड़ेगा सिंगल को, 102, फिर 2 को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, और यहाँ पे हम करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे 10 स्क्वायर 10 डिग्री चाहिए, तो कुछ डिग्री देना, 50 डिग्री चाहिए, तो 50 और O को स्मॉल में लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट, देन ओके, तो देखिए आपका 50 डिग्री आ। अब बोलना होता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स का फिगर यहां मैं डाल देता हूं, मैं कुछ नंबर्स, अब मैं चाहता हूं ये जो नंबर्स है इस पे डिग्री लगा, ये जो नंबर दिख रहा है इस पे हमें डिग्री लगा। तो डिग्री जैसे हमने यहाँ लगाया, तो क्या मैं हर एक सेल में जाऊं, स्मॉल पे ओ लिखूं और इस ओ पे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में मैं यहाँ सुपर स्क्रिप्ट करके ओके करूं। अब ऐसा करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो कैसे करें इसको, तो इसको करने के लिए हम सिंपल सा छोटे से ट्रिक्स अपनाएं, क्योंकि मुझे इसको करना है विजुलाइजेशंस के लिए, हमें इसको विजुलाइजेशंस के लिए करना है। तो विजुलाइजेशंस के लिए कैसे करें, यहां पे हमें स्मॉल में ओ लिखेंगे और इसको नीचे तक ट्रैक, ड्रैग करने के बाद हम यहां पे जो है फॉन्ट में आते हैं और यहां सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसको फिर इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और फिर इसको हम यहां बॉर्डर पे आते हैं और यहां से हम स्क्वायर बॉर्डर देते हैं, बीच वाला बॉर्डर ही देंगे, याद रखिए ए वाला जो बॉर्डर नहीं देंगे, सिर्फ यहीं तक आते हैं एंड ओके, फिर अपने इसको जो है सेल्स को छोटा कर देते हैं,
और अच्छा दिखाने के लिए इसको सेलेक्ट करके हम यहां से कलर को व्हाइट करें। अब कलर व्हाइट करें या पेज लेआउट पे जाके ग्रिड लाइन को अनचेक कर दो है। तो मैं कह रहा था कि बीच की जो लाइनिंग है वो बीच की लाइनिंग को हटाना। आप यहां देख पा रहे हैं कि एक अच्छा सा यहां पे आपके एक इटरेशन बन गया। तो कहने की बात है कि फॉर्मूला हमेशा जो आप चाहते हो उसी सही तरीके से हो, या जो फॉर्मेट आप बनाना चाहते हो सारे फॉर्मेट सही तरीके से हो, ये चीजें फिक्स नहीं। कभी कभी हमें कुछ और अलग तरीके से सोचना होता है और कुछ अलग तरीके से उसको बनाना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने रिपोर्ट्स को सही तरीके से शो कर सकें। अब चलिए हम रैप टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए कि एक मुझे पैराग्राफ को यहाँ पे टाइप करना है, कोई भी एक पैराग्राफ टाइप करना है। अब हम पैराग्राफ लेने के लिए एमएस वर्ड पे भी जा सकते हैं। हम एमएस वर्ड पे गए और यहाँ पे हम करते हैं इक्वल आर ए और जैसे एंटर प्रेस मारेंगे आप देखेंगे बहुत सारा पैराग्राफ आ जाएगा। चलिए एक पैराग्राफ को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब मुझे एक सेल पे यहाँ टाइप करेंगे तो मुश्किल होगा, एक सेल पे टाइप ना करके एक एरिया को सिलेक्ट करके हम मर्ज करते हैं यहाँ मर्ज। फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे। देखिए बिना डबल क्लिक पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं। रैप टेक्स्ट में हमेशा हमें डबल क्लिक करके पेस्ट करना होता है इस तरह से। उसके बाद मैं यहां से ऊपर दिख रहा होगा रैप, मैं रैप कर देता हूं ताकि सही तरीके से आ जाए। तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं यहां से। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि जो कुछ वर्ड गलत है, जैसे कवर पेज गलत है, तो मैं सामने वाला को कैसे बताऊं कि कवर पेज गलत, क्या मैं उसको फोन करके समझाऊं, तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले इसका कलर रेड किया और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल किया और मैं यहाँ पे स्ट्राइक तो ध्यान रखिएगा डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करना है, मतलब तो पर्टिकुलर करेक्टर टेक्स्ट को, वरना पूरे में हो जाएगा आपका। अब मैं दोबारा बताता हूँ, इसे मैचिंग को करना है तो डबल क्लिक करना है, यहाँ पे मैचिंग को करना है सिलेक्ट, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इस पे मैं जो है स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करके ओके करता हूँ और कलर को रेड कर देता हूँ। इस तरह से इसको हम करते हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है तब क्या करें, या इस पे हम स्ट्राइक थ्रू करेंगे। देखिए इस पे अगर स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो आपको सही तरीके से नहीं दिखेगा। हम फॉर्मेट सेल में आके यहाँ स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं। देखिए स्ट्राइक थ्रू सही तरीके से आपको विजुलाइज नहीं करेगा। तो इसके लिए तरीका है कि मैं यहाँ बॉर्डर का इस्तेमाल करूं। बॉर्डर में हम कलर रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, और इसके बाद यहां से इसको क्लिक करते हैं, यहां से इसको क्लिक एंड ओके। अब देखिए यहां आ गया। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे और अच्छा दिखेगा। छोटा कर, अब जहां जहां मुझे चाहिए, अब सब जगह पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट एक शॉर्टकट होता है F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। और लास्ट एक्शन मतलब कि क्रॉस को नहीं, जो आपने इससे पहले किया है ना उसी को बार बार करना है, तो हम F4 प्रेस करते हैं।
राइट क्लिक करके हम जाते हैं फॉर्मेट सेल, और इस पर टिक का निशान लगाते हैं, राइट सही जो सही का निशान होता है, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ और इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ। मैं बता रहा हूँ, वही बता। तो राइट क्वेश्चन लगा दिया। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जो आपने सैंपल लगाया है राइट का या जो भी किया है क्रॉस का किया है, जस्ट आफ्टर विजुलाइजेशन के लिए। अब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, कोई फिल्टर लगा सकते हो, या आप जो है कुछ और कर सकते, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा करना है कि मैं सही और गलत भी दिखाना चाहता हूँ और उसके बिहाव पे कुछ और करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम फॉन्ट में जाएंगे। मैं जहाँ जहाँ मुझे सही का निशान है वहाँ पे पी, और जहाँ पे गलत है वहाँ पे ओ लिखना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें जाना है अपने फॉन्ट में, और फॉन्ट में नीचे की तरफ आते हैं। एक आपको दिखेगा बाइंडिंग टू। अब इस बाइंडिंग टू को हम सेलेक्ट करें, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ देखें एक टिक का निशान, क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से टिक क्रॉस टिक क्रॉस। और इसके ऊपर माने कि फिल्टर वगैरह, जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चाहता हूँ कि टिक वाले वो गलत हो जाए, तो मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में इक्वल में जाऊंगा, ओ लिखूंगा, ओ वाला देखिए हाईलाइट हो गया। तो इस पे हम कंडीशन लगा सकते, क्योंकि दिखाने में टिक का क्रॉस है बट एक्चुअल में है तो पी, एक्चुअल तो पी है ना। इस पे आप कंडीशन हो, फिल्टर हो, फॉर्मूला हो, सब लगा सकते। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो फॉन्ट है ना, और जो फॉन्ट है पार्ट ऑफ विंडो होता है, फॉन्ट जो है पार्ट ऑफ एक्सेल नहीं होता। तो मान लीजिए कोई विंडो आपका है उसके अंदर में फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, या ये फॉन्ट हो तो मान लीजिए कि आपका अनइंस्टॉल हो गया, तब क्या करें। तो वहां पे हम एक चीज कर सकते, क्रॉस के लिए तो एक्स है हमारे पास, और ये हम जे जो है हम लगा देंगे, और इस जे को अलाइनमेंट के अंदर पे ये देखिए ओरिएंटेशन होता है, मतलब कितना डिग्री झुकाना टेढ़ा करना है वो होता है। तो मैंने इसको टेढ़ा कर दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री हमने इसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है। और इसको और बेटर दिखाना है तो एक कैलेरी नाम का फॉन्ट होता है, वो भी दे सकते। अब बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है? देखिए क्या होता है कि ऑफिस में आपके पास जरूरत पड़ेगी तो आपको सही तरीके से नहीं, थोड़ा टेढ़े तरीके से भी सोचना। तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पे आता है कि क्या ओरिएंटेशन जो मैं बताया है, जो टेढ़ा करने में बताया है, इसका यही यूज है? नहीं, इसका और यूज भी है। जैसे कि मेरे पास एक अटेंडेंस शीट मैंने यहां बना, सिंपल सा कुछ खास में डेट डाला है और परसेंट डाल से डाल के और इसको बॉर्डर लगा दिया, कुछ खास चीज किया। और मैं चाहता हूं कि इसको एक शीट पे प्रिंट, तो मैं फाइल मेनू में जाऊंगा, प्रिंट पे क्लिक करूंगा। हालांकि इसका शॉर्टकट कंट्रोल पी भी होता है, बट यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ 6 नवंबर तक ये दिख रहा है आपका, आगे नहीं दिख रहा। तो चलिए हम पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देते हैं, फिर भी 8 दिखा। चलिए ठीक है, मैं मार्जिन को नैरो कर देता हूँ, मार्जिन हटा देता हूँ।
भी नॉर्थ इससे आगे नहीं दिखा। लेकिन स्केलिंग में अगर मैंने इसको फिट टू वन पेज कर दिया तो प्रिंट आउट एक पेज में तो निकल जाएगा, लेकिन फिर आपको लेंस लगा के पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि रीडेबल नहीं होगा, इतना छोटा होगा। तो ऐसा कुछ चाहिए हमें जो प्रिंट हो सके एक पेज पे। तो मैं ध्यान से अपने डेटा को देखता हूं तो डेटा में जो डेटा है वो तो बहुत छोटा है, हेडिंग बड़ा है सिर्फ। तो क्यों ना मैं अपने हेडिंग को सिलेक्ट करूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां आपके सामने ओरिएंटेशन है, इसमें मैं कर देता हूं रोटेट टेक्स्ट अप, ओके, और इसको सिलेक्ट किया और किसी एक सीट पे जाके जस्ट डबल क्लिक कर दिया, इसको बोला जाता है ऑटो फिल। लाइक ऑटो फिल राइट क्लिक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि होम मेनू बार में ही होता है फॉर्मेट, और इसके नाम आपको ऑटो फिल फॉर्मेट देते हैं, इससे भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे फिर भी होगा। इसमें क्या हुआ कि कॉलम हमारा थोड़ा सा उठा हो गया, मतलब वर्टिकली हमारा जो है बढ़ गया, ओरिजिनलिटी मेरा कम गया। अब मैं इसको एक पेज पे आसानी से प्रिंट ले सकता हूँ और मेरा रीडेबल भी है और सब कुछ दिख रहा है। तो इस तरह की चीजें भी हम ऑफिस में करते हैं। अब यहाँ देखिए ये हट गया क्योंकि ये छोटा होने के कारण छोटा पड़ गया, तो मैं थोड़ा सा और सेलेक्ट करता हूँ। अब मर्ज करूंगा तो अनमर्ज हो जाएगा, एक बार और मर्ज कीजिए तो मर्ज हो जाए, ठीक है। तो दिक्कत आप लोगों को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ जो आपके सामने जो दिख रहा है डेटा, इसके ऊपर हम नंबर फॉर्मेट की बात करें। अब जैसे कि हम नंबर फॉर्मेट पे गए हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट में जनरल फॉर्मेट है, करेंसी है, काउंटिंग है, डेट है, सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जनरल जैसा टाइप करते वैसा होता है। नंबर नंबर में क्या है कि आपका जो नंबर फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने चाहता हूँ डेसिमल प्लेसेस लग जाए, थाउजेंड से मैंने दशमलव का स्थान या डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं, थाउजेंड सेपरेटर, उसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं निगेटिव में होगा तो कैसा दिखेगा, वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, या करेंसी में अपना करेंसी कोड दे सकते हैं। अगर विंडो 8 ऑनवर्ड है तो आप इंडिया का करेंसी कोड भी लेंगे, और आपने इंस्टॉल करते समय जिस कंट्री का, जैसे मैंने भारत का रीजनल सेटिंग कर रखा है तो यहाँ पे उसका करेंसी आएगा, मतलब कि रुपीज का सिंबल आएगा। अकाउंटिंग में भी सेम रोल है, जैसे आप करेंसी दे सकते हैं या करेंसी का कोड जैसे INR है तो ये INR सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं INR 29 लिख के आ रहा है। देखिए इस पर अगर मैंने नन कर दिया, क्या कर दिया, नन, डेसिमल प्लेसेस भी हटा देते। इस केस में एक मिनट में सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, मैंने पूरे को सेलेक्ट नहीं किया था, मैं जाता हूँ करेंसी नन डेसिमल प्लेसेस को जीरो एंड ओके। अब मैं यहां पे अगर जीरो देता हूं तो ये आपका एक मिनट, अकाउंटिंग में करना है, अकाउंटिंग जीरो और नन। अब देखिए तो अकाउंटिंग क्या कर रहा है कि जैसे ही आपने जीरो टाइप किया ना उसको डैश में कन्वर्ट, लेकिन कन्वर्ट क्या किया, बीच पर ओरिजिनल नहीं, ठीक है, बीच पर वो किया है, ओरिजिनल को बिल्कुल नहीं किया। ओरिजिनल जो है आपका जीरो ही है, क्लिक करेंगे तो जीरो ही है। फिर ऐसे डेट है तो डेट का डिफॉल्ट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो उसे डिफॉल्ट आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी अपने डेट फॉर्मेट्स है वो डाल सकते हैं, या और द डेट के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहाँ पे आपको डेट्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे जो कि डेट वाले सेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है उसके हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि मैं इंडिया का ये करना चाहता हूँ तो इंडिया का हिंदी मान लीजिए, मुझे हिंदी करना तो इसमें हिंदी भी दिखेगा, हिंदू का आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो डेट सेलेक्ट करेंगे वही डेट आपको शो करेंगे, जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे वही फॉर्मेट आपको शो करेंगे।
उसी तरह से टाइम है, अब टाइम का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, जब कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट करते हैं तो ये आपका टाइम आता है। हालांकि टाइम आप यहां से भी ला सकते हो। उसके अलावा आप जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, तो इसके अलावा बहुत सारा फॉर्मेट टाइम में मिलेगा, और यहाँ आप अपने हिसाब से कंट्री लैंग्वेज और कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम किसी का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि मैंने 35 घंटे 20 मिनट और 23 सेकेंड, आप इसके ऊपर जो नॉर्मली कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट होता है या फिर जो और फॉर्मेट होता है वो अप्लाई करेंगे, तो आपको 24 आवर से ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सेल में आपका 24 आवर इक्वल टी 1 डे हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे ऊपर ये आपको एक दिन दिखा रहा है। ऐसे केसेस में आप क्या करें, कस्टम पे जाए और यहाँ HH SS नहीं नहीं यहाँ कस्टम पे नहीं, आप कीजिएगा डेट, डेट में ही है, यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप नीचे आइएगा, डेट पे नहीं माफ कीजिए टाइम पे, ये देखिए 37 30 55, 37 30 55 तो आपको टाइम दिखा। अब बात करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां मैं चेक नंबर दिया, अब मैं कहीं चेक नंबर लिखना चाहूं तो यहां हम चेक नंबर लिख सकते हैं, जनरली चेक नंबर 6 डिजिट का हो, तो कभी कभी चेक हमारा 4 डिजिट का हो तो उसके आगे 0 लगा रहता है, लेकिन 0 लगाता हूं तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता, इसके लिए हम यहाँ सिंगल कोट लगा के 0 को यूज करते हैं। अगर पूरे कॉलम में ही सेम लिखना है तो आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ टेक्स्ट लिख रहा होगा तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला वगैरह लगाऊंगा तो भी टेक्स्ट होगा, फॉर्मूला लगा दिया तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया बट फॉर्मूला परफॉर्म नहीं किया क्योंकि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम है कि किसी ने चेक नंबर लिख के मुझे दे दिया, अब मुझे इसके आगे 0 लगा, तो सिंपल है कस्टम में जाएंगे नंबर फॉर्मेट के और यहां पे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 0 दे, तो 6 डिजिट को मेंटेन कर दे। पुष्पंदर जी समझ में आ रहा है ना आपको, गोपाल जी आपको समझ में आ रहा है, इसका क्या हो सकता है? हाँ, क्योंकि नंबर ही है ना, हमने चेक नंबर डाला है तो इसने, देखिए कोई भी फॉर्मेटिंग आपके डेटा की ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है, जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, तो कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट लिखा है, अब कहीं पे मैंने लिख दिया MRP 500, ठीक है, तो इसके ऊपर आप कोई सम हो या कोई कैलकुलेशन है नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि एमआरपी 500 या जो भी अमाउंट है वो दिखे और इसके ऊपर सम भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। हम कस्टम जहां पे हम 6 टाइम 0 दिए थे उसी पे इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी और 0 दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे हैश डाल दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए, फिर आप जैसे ही इसको ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका एमआरपी 4545 आ गया। और इसको अंदर इसको सम वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑल्ट इक्वल किया जो कि ऑटो सम का शॉर्टकट है और यहाँ पे देखिए सम आ गया, ठीक है, तो विजिबिलिटी को चे होता है। अब उसी तरह से मान लीजिए मुझे यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है पर +91 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली +91 लग जाए, तो मैं यहाँ कस्टम में जाऊंगा और यहाँ पे +91, अब इसके आगे हम 0 डालना है, हम 0 डालेंगे, ठीक है, एंड ओके। अब इस पे देखिए 8802579 लग गया, आ गया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, जी
जी सॉरी देखा, ऐसे आईडी हमारा 60 डिजिट का, 9 डिजिट का है, और मैं चाहता हूं कि 9 डिजिट का जो हमारा आईडी है इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या लग जाए, 3 डिजिट का, हर 3 डिजिट के बाद डैश लग जाए। तो यहाँ पे 1230 डैश 1230 डैश 1230 देन ओके। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा तो इनके बीच में 3 डिजिट का लगा देगा, तीन हर 3 डिजिट पे 0 लगा देगा। ऐसे में यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखना चाहिए। देखिए अकाउंट नंबर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो 11 डिजिट तक तो शो करता है, लेकिन जैसे 11 डिजिट से आगे बढ़ते हैं 12 13 14 कर दिए उस तरह के साइंटिफिक फॉर्मेट में चले आते हैं। फिर इसके ऊपर हम कस्टम में जाते हैं और एक जीरो कर देंगे सिर्फ या हैश कर देंगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा नंबर। लेकिन ध्यान रखिए नंबर जो दिखेगा वो सिर्फ 15 डिजिट तक दिखेगा, 15 डिजिट से ज्यादा आप लिखेंगे तो जीरो बन जाएगा, 16वां डिजिट जीरो बन गया। या माने 16 15 के बाद मैंने 5 6 डिजिट डाल दिया, जितना डिजिट डालेंगे उतना जीरो, क्योंकि एक्सल कभी भी 15 डिजिट से ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं लेता। अगर आपको 15 डिजिट से ज्यादा लिखना है तो टेक्स्ट में या सिंगल कोट लगा के आप 32,767 तक आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, ये फाइल मैं आपको भेजता हूँ, साथ में मैं आपको एक आर्टिकल मतलब एक वर्ड फाइल भेजता हूँ जिसमें कस्टम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर मैं कल की क्लास में आपको एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाऊंगा।